समझिए, बातचीत की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। ये जो संसद के अंदर चल रहा है, पहली बात कि आपने पहले कभी देखा कि ट्रेजरी पक्ष की तरफ से ही संसद को डिस्टर्ब किया जाए? और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि भाई उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है वाकई में अडानी के मसले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी पर इतने तीखे हमले सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, ये पहली बार देख रहे हैं हम ऐसा कि सरकार चाहती है कि संसद नहीं चले। ये जो लोग अभी सत्ता में हैं, ये कभी विपक्ष में हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार संसद नहीं चलने दी है, ज़्यादा समय नहीं चलने दी है। और इस समय जिस तरह से संसद में सत्तारूढ़ दल के लोगों का व्यवहार हो रहा है, वो स्पष्ट है कि वो पूरे मामले को एक ऐसे मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जो कॉन्फ्रंटेशन का तो है ही, संघर्ष का तो है ही, साथ ही ये है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाए, विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जो भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। और राहुल गांधी के आज के जो तेवर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया तो ये साबित हो जाएगा जो मैं कहता हूं कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, और मैं अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो कल फिर मैं आके आपको आपसे फिर बात करूंगा और मैं वो सब बातें कहूंगा मैं जो बोलना चाहता हूं। सरकार के सामने बहुत बड़ी दुविधा है आशुतोष जी, और राहुल गांधी ने एक ऐसा पासा डाल दिया है कि, और उन्होंने ये भी बताया राहुल गांधी ने क्या बोलने वाले, वो उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो लोकतंत्र पर अपनी सफाई देने वाले हैं। उन्होंने दो बातें कही है कि चार मंत्रियों ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वे उसका जवाब चूंकि संसद में लगाए हैं और वो सांसद हैं तो उनका फर्ज बनता है कि संसद में उसके जवाब दें, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो आरोप पिछली संसद की सत्र में लगाए थे, बैठक में लगाए थे, जो एक्सपंज कर दिए गए, उनको वो दोहराने वाले। उसमें ये भी बताया कि वो पूछेंगे अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं, वो पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो बैठक हो रही थी मोदी जी उसमें क्यों उपस्थित थे, जिसमें SBI के चेयरमैन थे गौतम अडानी थे और ऑस्ट्रेलिया के लीडर थे, वो बांग्लादेश और श्रीलंका का मामला भी उठाएंगे, और ये भी कहेंगे कि जो शेल कंपनियां हैं अडानी की उसमें किसका पैसा लगा ये भी बताइए। काफी बड़ा मामला है कि सरकार का रवैया कल की बैठक को लेकर क्या होता है। सरकार बोलने देना चाहती है कि नहीं राहुल गांधी को, और अगर नहीं बोलने देती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या होंगे, और बोलने देती है तो उसके क्या होंगे। मेरा संक्षिप्त में मानना यह है कि सरकार राहुल गांधी को बोलने दे सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।